सबसे पहले मैगी के पैकेट को एक साइड में कर देते हैं और जो मैंने पत्ता गोभी लिए है उसके मोटे वाले भाग को निकाल देंगे और सारे पत्ता गोभी को हम ग्रेट कर लेते हैं। पत्ता गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। तो अब एक हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और पत्ता गोभी में जो भी पानी है उसे हम हाथों से इस तरह से निचोड़ कर निकाल देंगे और सारे पत्ता गोभी को हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। पत्ता गोभी को अभी हम साइड में रखते हैं। इधर जो मैंने मैगी ली थी उसके पैकेट को हम निकाल देंगे और इसमें जो मसाले हैं उसे भी हम साइड में रखते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम सारे मैगी को तोड़कर डाल देंगे और इसे हम थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं मैगी को मैंने पीस लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे भी अभी हम साइड में रखते हैं। उसी मिक्सर जार में हम 2 पीस ब्रेड लेंगे और उसे भी हम तोड़कर डाल देंगे और इसे हम पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं ब्रेड को भी मैंने पीस लिया है, इसे भी हम मिक्सर जार में ही रहने देंगे। अब जो मैंने पत्ता गोभी रखे हैं उसमें एक छोटे साइज की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। थोड़ी सी बीटरूट को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से दरदरा कूट लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू को उबाल कर ठंडा करके अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इसे ज़रूर से डालेगा, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा अपन अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से आगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैगी में जो मसाले निकले थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे, इसे जरूर से डालिएगा, इससे नाश्ते का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब जो मैंने ब्रेड को पीस कर रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे, इससे क्या होंगे मसाले में अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम आगे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन हम हाथों में उठाएंगे और इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा गोल शेप देते हैं और अंगूठा और इस उंगली से हम इसे हल्का हल्का दोनों तरफ से दबाते हुए इसे स्क्वायर शेप में बनाएंगे। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ। तो लीजिए हमारा एक बनकर तैयार है, इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हम दूसरे भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम एक साइड में रखते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे घोलेंगे, नहीं तो इसमें क्या होंगे लम्स पड़ जाएंगे। तो देख सकते हैं घोल भी हमारा बनकर तैयार है। तो जो मैंने मसाले बना कर रखे थे उसे मैगी को मैंने जो पीस कर रखा था उसे भी और घोल को सब एक जगह कर लेते हैं। अब जो मैंने बना कर रखे हैं आलू के मसाले उसे हम एक उठाएंगे और इस तरह से हम मैदे के घोल में डिप करेंगे। इधर जो मैंने मैगी पीस कर रखा है उसे हम इसके ऊपर से कोट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसे हम इस तरह से कोट कर लेंगे। इधर गैस पर मैंने तेल को आगे ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। गर्म तेल में हम इसे एक एक कट डालते जाएंगे, एक बार में जितना आ जाए उसे हम डाल देंगे। तो एक बार में जितना है सब मैंने डाल दिए हैं। अब इसे हम तेज आँच पर उलटते पलटते एकदम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ से हमारा सुनहरा हो गया है, अब इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारा अच्छा सा पक गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारा पत्ता गोभी और मैगी से बना नाश्ता बनकर तैयार है। देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर से बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो देख सकते हैं ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। मैं एक पीस आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं इसके मसाले देखने में कितने सुंदर लगते हैं। आप इसे लाल चटनी या हरी चटनी के साथ में सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।